अगर हम 75 साल का टिन्योर देखें, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक, हम उस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कोई सीईओ प्रोड्यूस नहीं कर सके। हम पाकिस्तानी हैं, हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे, लेकिन अगर हम अपनी ग्लोबल प्रेजेंस देखें, हम उस तरीके से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। हम हमारी उस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जो है वो नहीं जा रहा, और इसका मेजर मुझे एक इम्पैक्ट ये लगता है कि यहाँ पे तालीम की कमी बहुत ज़्यादा है। एज कम्पेयर टू अगर हम भारत की बात करें, जो हमारा नेबर कंट्री है, अब तो इतनी ज़्यादा कंपनीज के सीईओज हो गए हैं कि बंदा गिन गिन के थक जाता है, लेकिन उनके सीईओ जो है वो ख़त्म नहीं होते। वजह क्या लगती है आपको कि इतना मेजर डिफरेंस दोनों, टू कंट्री नेशन को, टू कंट्री नेशन थ्योरी, इस पर तो बहुत बात होती है, लेकिन तालीम का जो वो है वो तो दोनों तरफ, मतलब जो है वो कहा गया है कि आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, लेकिन फिर भी इतना फुकदान हमारी साइड पे क्यों देखने को नजर आता है? इसके अगर आप अली थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लें तो वो मेरे जानने वाले या सुनने वाले जो भी हमारे देखने वाले उनके वो थोड़ी बहुत रहनुमाई हो जाएगी, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से। आप देखते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क था, जब हिंदुस्तान मुत्तहदा था, तो आप अंग्रेज का जब आप एक कॉलोनी रहे हैं और वो सिस्टम आया, आपकी तालीम संस्कृत जो है वो हिंदी जबान जो है उनकी अंग्रेजी उन्होंने अडॉप्ट की, तो जो मुसलमान थे उस वक्त भी उन्होंने हेजिटेट किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे मजहब पे हमला है, तो उन्होंने कोशिश की कि इससे दूर रहें तालीम से। आप उस वक्त को उठाकर देख लें, वो एक पूरी जद्दोजहद मौजूद है कि किस तरह से बाकी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने उसको वेलकम किया और उसको अडॉप्ट किया, अंग्रेजी को अपनी जबान की तरह, और उसको पढ़ा लिखा, उसमें उन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा वो उसमें उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुसलमान ने उस वक्त भी उसको उसको ना सिर्फ उसके ऊपर फतवे जारी किए बल्कि उसके लिए तहरीकें चलाई कि आपने ये तालीम हासिल नहीं करनी। उससे थोड़ा सा आप आगे आ जाए, चले बेड़ा गर्क तो वहां से होना शुरू हो चुका था, आगे आ जाए, मुल्क अलहदा हो गया, और जो हमारे बदकिस्मती ऐसी थी कि हमारे जो लीडरान थे, चाहे वो लियाकत अली खान हो या कायदे आजम हो, उनकी उनको वक्त नहीं मिला, कि हो सकता है शायद उनको वक्त मिलता तो कुछ बेहतरी आती। जो इंडिया की साइड पर अगर देख ले तो उनकी खुशकिस्मती ये थी कि जवाहरलाल नेहरू एक बंदा मुझे उनकी तालीम के पूरे सिस्टम के पीछे नजर आता है। अगर आप इसको हिस्टोरिकली देख ले तो जो उन्होंने उस वक्त बुनियाद रखी यूनिवर्सिटीज की, जिन इदारों की, और उन्होंने जिन जिन ममालिक से जो भी बरादराना उनको हेल्प मिली, उन्होंने कहा कि हमें आप साइंस और टेक्नोलॉजी में हेल्प करें, हमारे इदारे इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने तब बुनियाद रखी जब हमारे यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं, और हमारे यहाँ उस वक्त दहशतगर्दी के और जिहादी तंजीमों की बुनियाद रखी गई, हमारे किसी लीडर ने कभी नहीं सोचा जो उनके लीडर ने खुशकिस्मती से उनके लिए सोचा। और आज जो आप देखते हैं ये वर्ल्ड वाइड सारी कंपनी के सीईओज देखते हैं, या आप साइंस में देखते हैं कि वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो ये एक दिन में, ये 10 सालों में नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कौम में। तो ये इसमें आप 70 साल पीछे चले जाएं तो वो मैं समझती हूँ उस एक आदमी का किरदार है, हिस्टोरिकली जितनी मेरी जितना मैंने पढ़ा है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने वो शुरू किया, और फिर आगे तो उनके बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने फिर इसी में बहुत कंट्रीब्यूट किया और आज वो फिर इस मकाम पर हैं। बेसिक और रीजन हमारा ये हम चांद पे जाने पे भी हम अपनी काबिलियत का सबूत इस तरह दे रहे हैं कि हम आगे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब जमीन से पे खड़े होके चांद नजर आता है तो क्या जरूरत है चांद पे जाने की। दूसरे वजीर ये बयान देते हैं कि हमने जमीन इतनी तंग कर दी है भारत वालों के पे कि उन्हें देखें चांद पे जाना पड़ रहा है। मतलब हम एक तो तालीम याफ्ता नहीं है, और ऊपर से फिर हम साबित भी करते हैं कि हम तालीम याफ्ता नहीं है। देखिए, तालीम का और इस चीज़ों का जब आपने स्टेट एक नफरत की बुनियाद पर बनाई है, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम कंट्री से पाकिस्तान तो नहीं है आपके करीब में, अब तो आपका ही एक भाई जो आपसे अलग हुआ, एक बाजू बांग्लादेश भी है, आप उनमें और इंडिया में कोई नफरत नहीं देखते, आप इवन अफगानिस्तान और इंडिया में कोई नफरत नहीं देखते, आप ईरान और इंडिया भी नफरत नहीं देखते, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी नफरत है? तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एक दूसरे से सीखें, एक रीजन है, एक डीएनए है, एक तरह के मिजाज है लोगों के, मजाहिब मुख्तलिफ हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो हैं वो बिल्कुल ही दुनिया के उस खित्ते में पहुंच जाए जिसमें आप किसी को ना बर्दाश्त करें, ना किसी को आप जीने दें, ना आप खुद जिए, ना साइंस का नाम लें। लेकिन बहरहाल इंडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी में, एट द सेम टाइम इंडिया को भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि जहाँ वो तालीम में और शऊर में ये साइंस में बहुत बेहतर हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी वो अभी तक वो आप समझ लें कि वो पीछे ही चल रही हैं। उनका मीडिया देख लें, उनका सोशल मीडिया देख लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मुझे थोड़ा मसाइल भी होते हैं देख करके, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए उनको बेहतरी की। और आज ऑब्वियसली गुंजाइश हर जगह मैं इंटरव्यू कर रहा था, रोड शो में पब्लिक
प्लेस पे गया हुआ था, तो वहां पे मैं बात कर रहा था एक बंदे से, तो मैंने उन्हें कहा कि आप आने वाले टाइम में सुपर पावर किसको बनता देखते हैं, तो उन्होंने कहा या तो चाइना बनेगा या वो मुल्क बनेगा। मैंने कहा चाइना बनेगा या वो मुल्क से मुराद? कह रहे नहीं नहीं हम नाम नहीं ले सकते, हम नहीं कहेंगे कि वो दूसरा मुल्क कौन सा है। तो मैंने कहा नाम लेने में क्या हर्ज है? कह रहे नहीं नहीं हम नफरत करते हैं, हम नाम भी जो है ना लेना पसंद नहीं करेंगे। आपको लगता है कि जब लोगों की ये सोचो कि नाम भी ना ले रहे हो, नाम तो मोहब्बत में नहीं लेते, मियां बीवी एक दूसरे का नहीं लेते, तो मेरे ख्याल में तो ये मोहब्बत होगी उनकी। आपको समझने में गलती हुई होगी। नहीं, अब मेरे ख्याल में वक्त बदल गया अली रजा साहब, अब मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, मैं यकीन माने अपने आसपास बहुत कम लोगों को ऐसी बात करते हुए अब देखती हूँ। ज्यादातर यही होती है कि भाई हमें उनसे, अब हम लोग वो हालात अपने जिंदगी में और अपने मुल्क में देख चुके हैं, अब हम कहते हैं नहीं हमें उनसे क्या, हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वो कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। आपने सोशल मीडिया पे बल्कि देखा भी होगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, अगर इंडिया ने चांद पे कदम रखा था तो पाकिस्तानी आवाम ने बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने कंग्रेचुलेट भी किया, खुशी का इजहार किया, बड़ा दिल खोल के, मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन वो पाकिस्तानी जैद हामिद की तरफ से बयान आया था कि ऐसा तो कोई मिशन हुआ ही नहीं, वो तो एक कमरे के अंदर उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, और मतलब मैं तो समझता हूँ कि ना वो चांद पे गए हैं और बंद कमरे में बनाई गई वीडियो को चला दिया उन्होंने। जहाँ पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, वहाँ पाकिस्तानियों की तरफ से जब ऐसी स्टेटमेंट आती है तो हम साबित नहीं करते कि हम वाकई तालीमी याफ्ता कौम है। लेकिन ये जैद हामिद जैसे लोग और या मकबूल जैसे लोग जो हैं, ये मैं तो इनको इंसान नहीं कहती, आप इनको लोगों में शुमार कर रहे हैं, ये एक एबनॉर्मेलिटी किस्म की, वो एक आप यूँ समझ रहे स्टेट के कुछ वो प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ही हाईली घटिया पैकिंग में थे, बगजवा हिंद को प्रोपोगेट करने वाले, जिन्होंने जिंदगी भर सोचा हुआ था कि हमने प्रोपोगंडा करना है, नफरतें फैलानी है और उसी को बेचना है। मेरे ख्याल में आवाम अब उनको नहीं सुनती। आप अगर बताएं मुझे कभी आपने जैद हामिद को सुना हो, मजाक ही कुछ सुनता होगा, या फिर वो इंसान सुनते हैं जिनको मेरे ख्याल में अभी बहरहाल बहुत चीजों का फर्क है। लेकिन जैद आमन साहब बहुत अरसे से मंजर आम से गायब थे, तो शुक्र है मुझे आजकल तो वो नजर भी आ रहे हैं कि आफ्टर जब से चांद पे लैंड किया, इंडिया हर जगह में मुझे, मैं मिस कर रही थी उनकी प्रेजेंस जैद आमन साहब की, कि औरिया मकबूल जान साहब जो वो कम पड़ रहे थे अपनी इलॉजिकल गुफ्तगू में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में, लोगों को गुमराह करने में, तो माशाल्लाह से अब दोबारा वापस आ गए जैद आमन, तो अच्छी बात है। मैं आपसे सुना है, मैंने देखा भी है। आपको नहीं लगता कि जब पाकिस्तानी कोई अभी पर्सन इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो वो पर्सन से हटके एक पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होती है? अगर आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम एक प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी शो हो रहा है कि ये पाकिस्तानी है जो बात कर रहे हैं। देखिए अली, हमारा स्टेट का नैरेटिव रहा है ये, और अगर आप माने या ना माने तो कुछ हद तक ये नैरेटिव इंडिया की साइड से भी रहा है कि डिस्प्यूटेड एरियाज जब दो ममालिक में होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर है, तो ये मामला तो कुछ हद तक रहते हैं। तो थोड़ा ये है, मैं समझती हूँ कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा इसलिए डाला है कि आप हिस्ट्री अगर निकाल कर देख लें तो जो सारी जंगें हुई उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, या फिर बाकी चीज़ों में, या हमारा एक स्टेट नैरेटिव है, या हमारी सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर अगर हमने लोगों का जो दिमाग है उनको माइंड वॉश ज़्यादा किया है, दूसरे साइड पे थोड़ा बहुत जो इंडिया की तरफ से भी, क्योंकि अगेन वो एक आप इसको नहीं कर सकते कि जब से बांग्लादेश अलग हुआ तो कुछ जो ग्रजिस थे वो पाकिस्तान के दिल में थे, और कश्मीर के लिए भी कुछ ग्रजिस जो हमारे दिल में रह गए, तो ऐसे मामला तो होते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम स्टेट नैरेटिव जो है, मेरे ख्याल में आप देखें मुशर्रफ दौर में कुछ वो तब्दीली आई थी पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती की, उसके बाद जब हमारी पॉलिटिकल मुसीबत ये है कि जब हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, जब वो हाथ मिलाने लगते हैं इंडिया की गवर्नमेंट से, तिजारत की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, तो फिर हमारी स्टेट उनको एक ठप्पा लगा देती है कि ये पाकिस्तान के लिए वो यूँ समझ लें कि खतरा है, या फिर सिक्योरिटी को खतरा है। और जब वो खुद आते हैं, अगर आप इसको पूरी हिस्ट्री आप पाकिस्तान के देख लें, जब वो खुद इकतदार पे आते हैं तो उन वो दोस्ती करते हैं, खुद वो प्रेफर करते हैं, खुद से कौन से रहते हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेरे ख्याल में ये खौफ होता है और ये एक किस्म की हेजिटेशन होती है, वो ज़्यादा खुल के इजहार नहीं करते तिजारत पे, ये किसी भी मामले पे इंडिया के साथ, क्योंकि एक स्टेट का वो जो प्रेशर होता है मेरे ख्याल में, और जब स्टेट खुद आ जाती है सामने तो स्टेट को तो फिर किसी का प्रेशर नहीं ना होता जनाब, फिर वो खुल के प्यार बांटते हैं। मुशर्रफ साहब के आप इंटरव्यूज उठाकर देख लें इंडियन चैनल्स पे उन दिनों की, और फिर इंडियन पाकिस्तान की दोस्ती देख ले, तो मैं समझती हूँ कि ये एक दोनों साइड पे, उधर से अगर आप देख लें तो जब इलेक्शन करीब आता है तो आपको पाकिस्तान का पाकिस्तान 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 की, जिस दिन वहां पे भी ये गूंज खत्म हो जाएगी तब भी मैं समझूंगी कि वो भी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं।
इस आपको नहीं लगता वो इन चीजों से आगे निकल चुके हैं? मौजूदा करंट टाइम में अगर देखा जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो पहले है, अब तो थर्ड लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं। मैं आपकी बात कर रही हूं कि अगर आप हर बात में आप भी अगर आपका भी जो मुद्दा है आपके इलेक्शन का पाकिस्तान दुश्मनी है या फिर वो, तो फिर अगर आप अभी भी बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब यू आर ड्रैगिंग योरसेल्फ डाउन टू दैट पॉइंट जहां पे हम लोग खड़े हैं। आप अगर आगे बढ़ गए हैं तो आप थोड़ा अपना दिल भी बड़ा करें और आप अपने मुद्दे जो हैं थोड़े मुख्तलिफ करें, आपके जो इलेक्शन के मुद्दे हैं और जो वहां पे कर भी रहा है तो आवाम उनसे सवाल करें कि भाई अब हमें इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं, वो बेचारे अपनी मौत खुद मर रहे हैं तो इनको आप माफ करें, इनसे बेहतर है कि बेहतर ताल्लुक रखें और कुछ और सोचें, कोई और नैरेटिव दें। तो ये नैरेटिव अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान जो है उसको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपस में खुद ही लड़ लड़के मरेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट उनके वजीर आजम की तरफ से आई थी। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें तो वो जापान जैसी कंट्री को बीट कर चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वहां पे हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज देखी होगी कि अब वो कार्स के अंदर ऑटोमोबाइल में चांद पे गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। 450 से ज्यादा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, आप कोई भी शोभा उठा लें, आपको वो आगे ही नजर आएंगे। ये बात है। और मैं आपसे ये पूछूं, हाँ कोई एक चीज अगर आप मुझे बता दें जिसमें आपको ये लगता हो कि अभी हम भारत से आगे, हमें प्राउड है कि हम किसी एक चीज में अभी हम भारत से आगे हैं? नहीं, मैं नहीं समझती हम अभी तक किसी भी चीज में, क्योंकि देखें अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रह गया ना। अब कोई ये अगर सोचता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला रह गया है तो मेरे ख्याल में, मैं तो उसी लिए ये बात की है कि उनको भी इलेक्शन का मुद्दा या मीडिया के ऊपर सनसनी फैलाने के लिए कुछ और टॉपिक्स ढूंढने चाहिए। अब हमारा कोई कंपैरिजन रह नहीं गया किसी भी मामले में। अगर आप कह रहे हैं कि किस मामले में पाकिस्तान बेहतर है तो मैं नहीं समझती कि कोई एक भी ऐसा मामला है, वो चाहे सेहत है, वो तालीम है, चाहे वो आपकी महंगाई है, चाहे वो कोई जो कि नेम इट, तो आप कहीं भी नहीं है उनके आगे। तो उसके बावजूद एक ये जरूर है कि जब इंडिया तरक्की करता है तो अब मुझे महसूस जरूर होता है कि बजाय कि हम लोग यूरोप पे खुश होने के या अरब से हमारा रिश्ता जोड़ने के, महसूस ऐसे होता है कि जैसे ये अपना खत्ता है, ये अपना रीजन है, ये अपने लोग हैं, इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे मामलात में उनसे सीखने की भी ज़रूरत है, बहुत सारे मामलात में अब खुद पे तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। लेकिन क्या करें साहब कि कुछ स्टेट पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि कुछ सिखाया पढ़ाया भी ऐसा जाता है। जब आपने पेट भर रोटी नहीं देनी तो आपने यही बताना है कि या आप मजहब के नाम पर लड़े मरें या फिर आप कौम के नाम पर लड़े मरें, मुल्क के नाम पर। नेशनलिज्म और रिलीजन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवाम में हमेशा तब एक्सट्रीमली प्रोपोगेट करते हैं जब अवाम को और आप कुछ नहीं दे रहे होते, कोई तरक्की, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत, कोई सुकून नहीं दे रहे होते, तो फिर आप ये दो चीज़ें देते हैं। तो पाकिस्तान जो उसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उम्मीद है कि इंडिया इस चीज़ से निकल आए आगे। हमारा मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या लगता है कि तालीम का फुकदान कितना मेजर इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है? देखिए पाकिस्तान में तो आप बुनियादी चीज देख लेना, आपने तालीम, आपने हजारों मदरसे बनाए हुए हैं और वहाँ मदरसे में जो सिलेबस है उसमें बच्चों को कोई दुनिया में कोई क्या हो रहा है उनको अभी तक ये भी बताया जाता है कि जमीन गोल नहीं है। आपके सामने मौजूद होंगी वीडियोस साइंस के नाम पे उनको ये, तो मदरसा सिस्टम आपने रखा हुआ है, आपकी स्टेट ने जब इनको यूज करना होता है आपके मजहबी तबके को, तो एक उन्होंने वो प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो आप उनके मदारिस भी बंद नहीं करवा सकते, आप उनका सिलेबस भी चेंज नहीं करवा सकते। फिर आपने क्या किया कि आपके नए दौर में पीटीआई के दौर में आपने उठाकर जो थोड़ा बहुत बेहतर पढ़ रहे थे बच्चे उनका सिलेबस लाकर आपने पीछे ड्रैग करके आपने कहा कि इनको भी वो मदारिस वाला जो सिलेबस पढ़ाए। तो अब उस सिलेबस में क्या मसला है कि उसमें कहीं भी दूर दूर तक साइंस और टेक्नोलॉजी उसका नाम निशान तक नहीं है। उसमें आपने इस्लामियात पढ़नी है, उसमें आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ना है, उसमें आपने उर्दू पढ़ना है और आपने उसको आखिरी लेवल तक वो तालीम के पढ़ना, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होना उसका। आप यकीन माने कल मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया है मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात और उर्दू का तीनों के बारे में कि मामा इनका आने वाली जिंदगी में क्या काम है, हमें इससे क्या हेल्प क्या मिलेगी। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मतलब इसकी कोई बेटा हेल्प नहीं है, बस आप कोशिश करें कि आप एक आर्ट के तौर पे ये मजामीन पढ़ रहे हैं। तो हमारा तो बुनियादी मसला ही वो है कि आपने मदारी स्कूल, इसकी तालीम, सिलेबस आपने इतना गंद डाल दिया हुआ है।
आपने कौमियत के नाम पे, आप मुल्क के नाम पे मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, और मजहब के नाम पर आप इस्लामियात, और हर चैप्टर में आप जो आपके लीडर आता है नया सियासी, कर कुछ नहीं सकता, ये जो भी आपका आता है क्या कहते हैं कि डिक्टेटर, कर कुछ नहीं सकते, तो क्या करते, एक एक चैप्टर ऐड कर देते हैं इस्लामियात का, क्योंकि उन्होंने अवाम को भूख, नंग और जलालत और तंग दस्ती के अलावा कुछ नहीं दिया, तो वो कोशिश करते हैं कि इनको कम अज कम इन चीजों में इन्वॉल्व रखें, और अवाम इसी चीज पे नारे लगाती हुई बाहर आती है और एक दूसरे के सर कलम करती है और घर जाकर सुकून से सो जाती है। आप देखते हैं कि ये जो सारे मदारिस के स्टूडेंट हैं, ये निकल कर क्या करते हैं, जो हजारों और लाखों में हैं, इनका क्या फ्यूचर है, जब हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी घटिया मायार तालीम उनका है कि वहां से निकले हुए बच्चे दुनिया में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तालीम और शऊर का लेवल ही नहीं है वहाँ पे सवाल और सोच सीखे, तो आप खुद सोचे कि मदारिस का क्या हाल होता होगा। और इन दोनों के मिक्सचर में मैं तो कोई फ्यूचर नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि मदारिस का या तो सिलेबस बदला जाए, या कम अज कम स्कूल वालों को कुछ तालीम और शऊर सिखाया जाए, ना कि तालीम के नाम पर जहालत पढ़ाई जाए, जो कि आपको दुनिया में कहीं का भी नहीं छोड़ेगी अल्टीमेटली। अब वही फिर वो मैं पहले भी बात करती हूँ, मैं अगेन वही कहूँगी कि अब हमारा आइडियल अफगानिस्तान है, हम लोगों ने अफगानिस्तान तक पहुंचना है, बल्कि पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान को हम आगे जाते हुए देखेंगे। मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली एक न्यूज आप तक भी आई होगी, और मैंने बकायदा इस पर फुटेजेस वगैरह भी देखी थी, कि इंडिया के मदरसा तालीम के अंदर जो मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पानी से चलने वाला रॉकेट बनाया और उसका कामयाब तजर्बा भी किया है। वो अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो वीडियो आ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एक इधर का मदरसा है, मदरसे की तालीम है, जहाँ पे मतलब साइंस से रिलेटेड कुछ ना बताया जा रहा है ना पढ़ाया जा रहा है, और एक भारत का मदरसा तालीम है जहाँ पे रॉकेट पानी से चलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं? अरे जब मदरसा की बात होती है तो इंडिया में मदारिस को भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट करने की और उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने की भी बहुत गुंजाइश बाकी है। वहाँ पे आप जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, वहाँ के जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं बकायदा अपनी हुकूमत को, और आप अपने अगेन जैसे यहाँ पर आपको मजहब के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, वहाँ पे भी सेम यही होता है। तो तालीम के मामले में अभी भी अगर आप इसको रेशियो देखें, जो उसके एनालिसिस देखें, तो आप उसको सही तरह से एनालाइज करें तो इंडिया में मुसलमान बहुत पीछे हैं तालीम में, अब और ऊपर से उनके मदरसा सिस्टम, मैं समझती हूँ उसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की और बहुत कुछ अपग्रेड करने की। मैं तो पाकिस्तान में अगेन यही कहूँगी कोई इसका मुकाबला ही नहीं है, ना पाकिस्तान के मदरसा सिस्टम का, ना स्कूल सिस्टम का, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों के सेक्टर में ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं बदलने की ज़रूरत है, कि आप उनको थोड़ा बहुत अगर आप उनको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो आपको उसको साइंस और उसके साथ रिलेट करना होगा, और उसमें आपको मेरे ख्याल में सेकुलर मुल्क है तो मजहब को तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी तालीम। लेकिन हमारा इस तरह की कोई खबर पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखने में आई कि इधर के किसी मदरसे के तालिब इलम ने जो है वो कोई पानी से चलने वाला रॉकेट बनाया हो, तो ये बात माननी तो पड़ेगी कि कम से कम उन्होंने बनाया तो है। नहीं, यहाँ से तो किसी यूनिवर्सिटी पे भी आपको ये खबर नहीं आएगी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से क्या खबर आएगी कि वो आपने पिछले दिनों देखा होगा वीडियो स्कैंडल्स, फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है ना। अब यहाँ पे तो आपने, या फिर आप कहेंगे कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहन के आने देना, इससे माहौल खराब होता है, यहाँ पे आपको क्या मतलब, आपने आपकी जो आपने एक दो तालीम याफ्ता लोग आपके निकल आए, जैसे डॉक्टर मुबारक अली हैं, उनके आप हालात ज़िंदगी देख लें, वो अभी तक वो जिस हालात में रह रहे हैं, उसके अलावा आप डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, आपने उनको यहाँ से भगा दिया, वरना आज आप भी चांद पर होते। वो मिशन जो है उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के साइंस का सफ़र, आपने कहा कि इनका तो जी मसलक और मजहब ही और है, निकलो यहाँ से, उनको आपने, और उनके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के जो हमारे तालिब इल्म हो, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ जिनको मिल चुका है, जिनकी पूरी दुनिया फिजिक्स में इज्जत करती है, उनको पकड़ के जूते उनकी तस्वीर पर मारते हैं और ये वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, ये हैं हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो मिशाल खान जैसे बच्चे को सवाल करने पे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वहाँ पे कोई वो मदरसा नहीं था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने अपने साथी को मार दिया और बेरहमाना तरीके से। तो ये है हमारा यूनिवर्सिटी का लेवल, मदरसा हो या यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, मैं कोई उसमें वो फर्क नहीं देखती, कोई बेहतरी तो खैर दूर की बात है, वो एक से बढ़कर एक आप उसको इंसान से जानवर बनाने का तरीका सिखाते हैं, आपने किस किस तरह से लोगों से नफरत करनी है, किस किस तरह से आपने दूसरों को तंग करना है, किस तरह से आपने अपने कोई मसला नहीं देखना, हमेशा आपने दूसरों में खराबियां ढूंढनी है, तो ये सारे मामला तो हमें सिखाए पढ़ाए जाते हैं, तो ये अनलर्न करने में तो हमारे मेरे ख्याल में आगे 50 साल लग जाएंगे, कोई दूर दूर तक सूरत नजर नहीं आती। एक्सट्रीमली
वेरी सैडली मतलब हमें प्रोग्राम यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि जो भी मामलात हैं वो अब छोटी से छोटी न्यूज़ भी हो तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है और पूरी दुनिया उस सिनेरियो को देखती है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें? मेरा मैसेज तो यही होगा कि मेरी कोशिश हमेशा मेरी गुफ्तगू के ज़रिए यही होती है, चाहे वो मेरे पाकिस्तान के फेलोज़ मुझे देख रहे हों या मेरे इंडिया से जो भी देखने वाले हों वो देख रहे हों, मैं सबसे ये गुजारिश करूँगी कि मुल्क और मज़हब के नाम पर खुदा के वास्ते इंसान को मत मारें, इंसान को इंसान समझें, बर्दाश्त पैदा करें। मज़हब या मुल्क के नाम पर नफ़रतें बाँटना बहुत आसान है, और आप और हम जो आम इंसान हैं, आम अवाम में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आपकी तरफ हो इंडिया की साइड पे, चाहे वो हमारी तरफ हो पाकिस्तान में, जो भी हमें इस्तेमाल करना चाहे मज़हब और मुल्क के नाम पर, तो उनको शट अप कॉल दें, उनको कहें कि नहीं जी, ना वो हमारे दुश्मन है ना हमने मज़हब के नाम पे ये करना है। बस सोचें, एक दफ़ा ज़रूर सोचें और सवाल करें कि कोई आपको ये इस तरह से क्यों कह रहा है या कर रहा है। जब सवाल करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में मामला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बड़े ही खूबसूरत पॉइंट पर आपने वीडियो का अख्ताम किया है कि जब हम सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर जवाब कैसे आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि किसी दूसरे पर सवाल उठाने से पहले इंसान को अपने आप पे भी सवाल उठाना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अपना एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी दूसरे के ऊपर सवाल करने से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, और मैं ये चाहूँगा कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे, हम डिफरेंट टॉपिक्स